ओके छोटे छोटे बोल ले रहे हैं। आई एम गोइंग कुतुब मीनार फर्स्ट टाइम, इट्स एक्साइटिंग। ओके, जैसे कि तुमने सुना है सारा बोल रहे हैं कि मैं पहली बार कुतुब मीनार जा रही हूँ, उसके लिए बहुत ज्यादा खुश है, एक्साइटेड। ओके भाई, तो चलो भाई चल रहे हैं, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे भाई, कुतुब मीनार मिलते हैं। बाय क्यों कर रही है, अभी जाना है बहुत, भैया बाय नहीं कर रही, ऐसी हाय कर रही है। चलो अब मिलते हैं, चुप रहिए। कुतुब मीनार तो भैया देखना, मुझे कुतुब मीनार दिख चुका है, वो रहा हूँ क्योंकि यार टिकट के लिए बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी, तो तुम्हें दिखाऊंगा जरूर, पर एक बार बाहर से देख लो। तो भाई देखो ये शायद इधर उसी की है, पर अभी चल रहे अंदर मालूम करेंगे। तो भाई देखो, देख लो भाई बाहर से तो ऐसे दिख रहा है कि तुम बीमार नहीं यार, कि तुम बीमार है यार, बीमार नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक हो, इस ब्लॉग में आपका स्वागत है, आई होप कि आप सब ठीक हो। तो भाई आज का ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही अलग। तो भाई रेडी हो चुके हैं, राजा भी रेडी हो गया खड़ा इधर, और भाई मैं भी रेडी हो गया हूँ, और भाई निकलते हैं अब घर से। भाई जल्दी जल्दी निकलेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया यार, आपको बताऊँगा पूरी बात गाड़ी में चल के। तो ठीक है भाई, अभी घर से निकलेंगे और बीच में मैं आपको ब्लॉग दिखाता रहूँगा, तो ब्लॉग से कहीं दूर मत जाना, आज कुछ अलग ही होगा। ओके, तो भाई कुतुब मीनार जाने के लिए हम रेडी हो गए। तो भाई ये देखो, इधर ब्रेकफास्ट चल रहा है, दाल के पराठे बने हुए हैं, सब खा रहे हैं दही के साथ। ये भाई ये दही के साथ है, और ये दाल का पराठा नानी बहुत ही अच्छा बनाती है, ये वाला पराठा बहुत अच्छा लगता है, तो नानी ने वही बनाया। तो भाई ठीक है, इसको खा के चलते हैं, फिर घूमेंगे कुतुब मीनार। चलो चलेंगे फिर जल्दी से, तुम भी नाश्ता कर लो यार लो। तो भैया लोग घर से निकल गए हैं और चल रहे हैं, गेट को करते हैं लॉक। तो भाई इधर सब निकल गए, तो भैया चलो, राजा कह रहा है गेट लॉक कर दो, तो भैया मैं कह रहा हूँ गेट तो लॉक हो ही जाएगा, घर पर कर लेंगे। तो भाई निकल गए हैं घर से, और राजा भी है रहा। भैया चलो आपको देखते हैं कि कहाँ जाना होगा, इंडिया गेट या कुतुब मीनार है, मतलब जो भी लगेगा वहीं पर घूम लेंगे। तो ठीक है भाई, ये गलियाँ हैं, इधर जा रहे हैं मामा। तो भैया निकल पड़े हैं दिल्ली की छोटी गलियों में, आज जा रहे हैं घूमने के लिए। अरे वो कहाँ रह गए, देख लो भाई। तो भैया सब जा रहे हैं, हम देख लो ये है, और छोटी छोटी गलियों से निकल के जा रहे हैं हम दिल्ली की, और पीछे सब आ रहे हैं। भाई और हम भी सबसे आगे आगे चल रहे हैं, अपना ब्लॉग बनाते हुए कंटिन्यू कर रखा है। तो भैया एक ऑटो करा है यहाँ पे इन भैया का, तो इस ऑटो में जा रहे हैं पार्किंग तक, वहाँ से गाड़ी लेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो ये है हमारा क्यूट सा बच्चे बेटे खड़े हो, तो इनको मैं अपनी गोद में बैठा लेता हूँ। तो भाई ये देखो सब, यस इधर सब बैठ चुके हैं ये, तो भाई चलो निकल पड़े हैं पार्किंग तक, और भाई पसीना बहुत ज़्यादा आ चुका है क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत। देख लो ये वही है जो बच्चा सबको डराता है, एक पहाड़ पर एक पहाड़। चलो भाई एक पहाड़ समझ लो कि एक पहाड़ पर क्या है। तो भाई गाड़ी से उतर चुके हैं, खड़े हैं यहाँ, ये देख लो भाई दिल्ली। तो भाई हो रहा है गाड़ी का वेट, गाड़ी का इंतजार, तो जब तक देख लो भाई दिल्ली का, उधर सारा खड़ी है उधर वहाँ। तो भैया गाड़ी आ चुकी है उधर, वो पीछे व्हाइट वाली दिख रही है भैया ये। तो भैया गाड़ी आ गई, गाड़ी खड़ी है भाई, आ गई। तो भाई गाड़ी में बैठ गए हैं, पीछे पता नहीं देखो क्या कर रहा हो। भाई देख लो बिल्कुल सबसे अलग है, अलग खेल खेल रहा है ये। तो भाई कुतुब मीनार घूमने के लिए निकल चुके हैं हम सब,
भाई बीच बीच में मिलते रहेंगे और ब्लॉग को यार बने रहना, कहीं जाना मत और सपोर्ट भी दिखाओ अपना। तो भैया बस पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर बस बचा है कुतुब मीनार, तो भाई बैठे हैं गाड़ी में बस इंतजार कर। ओके कुतुब मीनार का ये बड़े हैं तब भी नहीं बोल पा रहे, छोटे छोटे बोल ले रहे हैं। आई एम गोइंग कुतुब मीनार फर्स्ट टाइम, एक्साइटेड। ओके जैसे कि तुमने सुना है सारा बोल रहे हैं कि मैं पहली बार कुतुब मीनार जा रही हूँ, उसके लिए बहुत ज्यादा खुश है, एक्साइटेड। ओके भाई चलो भाई चल रहे, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे भाई, कुतुब मीनार मिलते हैं। मीनू भाई क्यों कर रही है, फिर जाना है बहुत, भैया भाई नहीं कर रही ऐसी हाई कर रही है, चुप रही हूँ। तो भैया देखना मुझे कुतुब मीनार दिख चुका है, वो रहा हुआ हूँ परेशान के बाद भाई कुतुब मीनार भाई पहुंच ही गए हैं, बस अब एंट्री के लिए रुके हुए थे, ये एंट्री पूछ रहे थे कि एंट्री कहाँ पर है। ईंटों का भट्टा क्यों खिली है। तो भाई गाड़ी से तो उतर गए हैं, तो भाई अभी ना भी जब अभी गोल चक्कर लिया था हमने तो वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, तो देखने जा रहे हैं कि वो लाइन जो है टिकट की थी या किसी और चीज़ की। अगर भाई टिकट की हुई तो बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई तो भाई इम्पॉसिबल है जो हम कुतुब मीनार देख पाए। तो भाई चलो आगे चल रहे हैं और बता देंगे, मैं मामा जा रहे हैं दोनों, तो भाई मालूम करने के लिए जा रहे हैं कि वो टिकट वाली ये लाइन है कैसी है। तो भाई एक बार मैं तुम्हें बाहर से ही दिखा दूँगा और अगर अंदर जाना हुआ तो अंदर भी ज़रूर दिखाऊँगा, क्योंकि यार टिकट के लिए बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी, तो तुम्हें दिखाऊंगा जरूर, पर एक बार बाहर से देख लो। तो भाई देखो ये शायद इधर उसी की है, पर अभी चल रहे अंदर मालूम करेंगे। तो भाई देखो देख लो भाई बाहर से तो ऐसे दिख रहा है कि तुम बीमार नहीं यार, कि तुम बीमार है यार, बीमार नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई देखो तो भाई वही हुआ जिस चीज के लिए मैं बता रहा था, भाई टिकट के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ पर सारे में, देख लो भाई तो सब लोग टिकट के लिए खड़े हुए हैं वहाँ तक। तो भाई इस बार तो इम्पॉसिबल हुआ कुतुब मीनार देखने के लिए, तो भाई चलो चलते हैं वापस और पता करते हैं। तो ठीक है मामा ये तो रहा यार कैंसिल, अभी आना होगा तो भाई आपको दिखाएंगे। भैया चलो अब यहाँ से निकल पड़े हैं भाई, चलो यार। तो भाई ये तो देख नहीं पाए, अगर नेक्स्ट टाइम मौका मिला तो आपको जरूर अंदर लेके जाएंगे, आपके लिए इतनी परेशानी जरूर उठाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन, एक एक ईंट की बारीकी दिखाएंगे कैसे जोड़ी गई है भाई, बिल्कुल मामा ने जैसे कहा एक एक ईंट दिखाएंगे। तो भाई ठीक है, अगर यार आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, तो इस ब्लॉग को कर देते यही पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।